हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चकबंदी अफसरों ने फर्जीवाड़ा कर दूसरे के नाम कर दी जमीन। खातेदार को भनक लगने पर खुला मामला। 1.5 बीघा जमीन दूसरे के नाम होने का मामला। तत्कालीन चकबंदी अधिकारी ने शरास्ता पत्र के आधार दर्ज की विरासत। 50 साल पहले मर चुके किसान के नाम कर दी 25 साल पहले खरीदी जमीन की वसीयत। संभल बबराला गुण और क्षेत्र और मृतक किसान की 1.5 बीघा जमीन को नकबंदी अफसरों ने फर्जी तरीके से दूसरे गांव के किसान के नाम कर दिया। आरोप है कि तत्कालीन चकबंदी अधिकारी ने ऐसे लोगों के नाम विरासत कर दी जैसा कि मृतक के वारिस नहीं थे। अब मामला खुलने पर इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की गई है। विभाग की आंतरिक जाँच और आरोप सही पाया गया है। क्षेत्र के गाँव उदरनपुर अजमतनगर और चकबंदी चल रही है। क्षेत्र के गांव कल्हा के ज्ञान चंद्र पुत्र शिवलाल ने बताया कि उन सबके चचेरे भाई खमानी पुत्र मंगल सैन ने उदरनपुर अजमतनगर और वर्ष 1992 और गांव भागनगर के रहने वाले प्यारे लाल से 1.5 बीघा जमीन खरीदी थी। इसके कुछ समय बाद भाई की मृत्यु हो गई। अब वर्तमान और गांव और चकबंदी प्रक्रिया अंतिम चरण और चल रही है, तो भाई की जमीन का दावेदार भतीजा को मानकर हमें मिलनी चाहिए थी। भाई की जमीन को पाने के लिए उन्होंने खाते को देखा तो उन सबके होश उड़ गए। जांच और पता की केवल शरास्ता पत्र के आधार पर फर्जीवाड़ा किया गया है। तत्कालीन चकबंदी अधिकारी रमजान बख्श ने ऐसे लोगों के नाम विरासत दर्ज कर दी जैसा कि दूसरे गांव करने वाला है। विरासत हेतु ग्राम प्रधान को भी नहीं पूछा गया और न ही वारिस के ठोस सबूत जुटाए गए। केवल वारिशान ने हमा हक जताते हुए शरास्ता पत्र दिया जिसके आधार पर विरासत कर दी। जिस किसान के नाम फर्जी विरासत की गई उसकी मृत्यु 50 साल पहले हो चुकी है, जिस समय की बैनामा करीब 25 साल पहले हुआ है। इसकी शिकायत चकबंदी के उच्च अधिकारियों से की गई। शिकायतकर्ता ने इस प्रकरण को उच्च न्यायालय व शासन स्तर पर उठाने की बात कही है। जिस जमीन की दूसरे नाम विरासत हुई है उसकी मृत्यु करीब 50 वर्ष पूर्व हो चुकी है, जिस समय की हमारे भाई ने 25 वर्ष पहले जमीन खरीदी थी। इस फर्जीवाड़े की शिकायत हमने अब मुख्यमंत्री से की है। यदि जरूरत पड़ी को हाई कोर्ट भी जाएंगे। ज्ञान चंद्र पुत्र शिवलाल, हमने मुकदमे की सुनवाई करते हुए गवाहों व सबूतों का पूरा ध्यान रखा है। प्रकरण का फैसला शरास्ता पत्र के आधार पर किया गया है। वारिस होने का दावा करते हुए शरास्ता पत्र दिए गए थे। यदि शरास्ता पत्र गलत है तो अदालत से धोखाधड़ी के आरोप और FIR होनी चाहिए। यदि निर्णय से किसी को तुमत्ती है तो न्यायालय और वाद दायर कर खारिज कराया जा सकता है। रमजान बख्श, तत्कालीन चकबंदी अधिकारी गुण और दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो पूरा देखने के लिए हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।